हाँ तो बस अब मन का चॉकलेट है और क्या, कल दूसरी ले आना। हैप्पी चॉकलेट है। स्वीटू यार, मुझे लग रहा है मिर्च ज्यादा डल गई। ओ माय गॉड। तो गाइस हम आपको बता दें, हमारा रेंट का घर है, ठीक है, तो मुझे छुपाना आप लोगों से, हमारा रेंट का घर है। गाइस रात के बज रहे 11:30 है ना, और पिछले 9 बजे से, पिछले 1.5-2 घंटे से बस रट लगा रखी है, सीटू चॉकलेट दो चॉकलेट दो चॉकलेट दो। मैंने बोल दिया नहीं लाया, मैं नहीं लाया। नहीं, आप किस मैन से लग रहा है? अरे तो जब से आए हैं ना, ये स्माइल दे रहे हैं ऐसे, पता जब भी मैं पूछ रही हूँ कल तो चॉकलेट है, कल तो चॉकलेट लेके आओगे, तो बोलो कल लाऊंगा। स्माइल है वो, पता चल रहा है कि हाँ भाई चॉकलेट आ चुकी है। तो गाइस पता है हमने मूवी देख रहे हैं, किसी का भाई किसी की जान, और पता नहीं जब चॉकलेट का नाम आया था ना, कुकू तो सो गई वरना यही निकलवा लेती बाहर। मैंने कहा प्लीज दे दो, थोड़ी देर में तो होने ही वाला है चॉकलेट डे। बैग देख लिया, अलमारी देख ली, सब चेक कर लिया, सब चीज चेक कर ली, लंच वंच उनका कहीं छुपा के रखी होगी, लेकिन मुझे नहीं मिली। अलमारी के अंदर रहेगी, नहीं मिली, वहां पे रख रखी थी, है ना, नहीं तो अलमारी के ऊपर रखी हुई थी। अब दे दो, हैप्पी चॉकलेट डे गाइस, देखो इन एडवांस खा लो। रील बनाई थी, बहुत चाल आ गए, कितनी देर से मांग रही छुट्टी, दे दो दे दो। तो यार टाइम भी तो होता है कुछ, ऐसे तो मन कर रहा है खाने का, थोड़ी देर बाद तो हो गई चॉकलेट। हाँ तो बस अब मन का चॉकलेट है और क्या। हाँ, कल दूसरी ले आना। हैप्पी चॉकलेट है। हाँ ठीक है, गाइस रुको अभी खिला देती हूं तुझे। हैप्पी चॉकलेट है, आप खाओ पहले। माय लव, हैप्पी चॉकलेट है। कैसी लगी? यम्मी। अहो मजा आ रहा है, मन टीवी का डायरेक्टर, मजा आ रहा है बाबू। तो भाई हम मूवी देख रहे हैं, थोड़ी बहुत जारी है, अब हम आपसे मिलेंगे मॉर्निंग में। हेलो गाइस, से टू हैप्पी चॉकलेट डे। दे दो दी थी रात को, तो क्या होगा, चॉकलेट तो आवे ना, बड़े दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट किया, चॉकलेट तो आवे ना गाइस। ये चॉकलेट इन्होंने मुझे, मतलब ये नहीं, ऐसी चॉकलेट मुझे इन्होंने रात को दे दी थी, आप लोगों ने देख लिया होगा। और गाइस हम दोनों की तरफ से आप सभी को भी बहुत सारे विशेष मेरे लिए आप क्या बना रहे हो खाने में, ये बताओ। मैगी गाइस देखो, सीटो बना रही है मेरे लिए, और गाइस पता है एक पैकेट मैगी नहीं बन रही, पांच पैकेट मैगी बन रही है। काउंट करो मसाला, जब पता चलेगा। ये ऐसे नहीं पता चलेगा, समझेंगे सब। 1, 2, 3, 4, 5 चलो खा लेते। बस एक बात है, मेरे को पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने स्वीटू बोला स्वीटू मुझे ना, नीचे मत फैलाओ खाने की चीज, मुझे मैगी खानी है, तो स्वीटू ने बोला कल बना दूंगी, लेकिन मुझे क्या बताता स्वीटू ने मेरे सरप्राइज बना रखा कि आते ही मेरे को मैगी मिलेगी। मैं सोचा डिनर में यही खा लेते हैं, अब सब लोग बोलेंगे यार लो मैं जो देखो खाने को ढंग का भी नहीं मिलता। ढंग का कौन करे, मेरे खुद हबी ने बोला है यार बनाने के लिए। एक बार मेरा पेट दिखाना तो शायद पता चले इन्हें ढंग का मिलता है नहीं मिलता। गाइस ये ढंग का मिल के तो ये हुआ है, हैप्पी चॉकलेट डे जान, मेरे जान आपको भी, मैं छोटी जान, हैप्पी चॉकलेट डे। अभी यही लेने वाली है थोड़ी देर में, हम तो बस अभी ले रखी है हमने। बोलो। तो गाइस मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी से, तभी मेरा पेट भरा गया खा खा के, और मैंने ही बोला था नहीं खा लेंगे। हमने कभी कभी ना 3 पैकेट मैगी बनाए, 4 पैकेट, हमारा पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आज तो 5 पैकेट हैं। हम मतलब हैबिट है ना खाने की, हम खा लेते हैं ना, टेस्टी लगती है। और गाइस पता है अभी आपको नहीं ऐसी लग रही है, फीकी फीकी सी, लेकिन मैंने ना इसमें मतलब अभी नहीं, अभी तो बस मैंने तड़का लगाया है, टमाटर प्याज डाल के, हरी मिर्ची डाल के, क्योंकि कुकू के लिए निकालनी है सिंपल मैगी, कुकू के लिए जब निकल जाएगी उसके बाद, मतलब थोड़ी सी लिक्विड ही होगी उसी में, फिर मैं ना हल्का सा नमक और मिर्ची बहुत ज़्यादा डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी सी एकदम तीखी सी बन जाए, मेरा बहुत ज़्यादा तीखी खाने का मन कर रहा है। मैंने आपसे बोला था ना, और आप भी बोल रहे थे फिर, पीखी कह रही मम्मा, पीखी बनाना पीखी, तो मैं अभी ना क्या तीखी सी बनाऊंगी मस्त सी, तब देखना कितनी टेस्टी लगेगी। हम थैंक यू सो मच, दे दो इसको लाडे को।
मम्मी पता है इसने अपने डैडी के लिए क्या रख रखा था? कहाँ है वो प्लेट? सोना ने आपके लिए क्या रखा था? सोना आ जा। ये रखा था ये। बेबी का खाना देख लो। ये दो चुपा चिप्स, ठीक है? बिस्किट। ये बिस्किट। चार रखे थे वैसे तो। सेटू आएंगे। डैडी को दूंगी दो। एक मम्मा को, एक अपने लिए। आपको दो दिए इसने? गाइस बहुत ध्यान रखती है ये, पता है? मिनानी बेबी आप खा लो, आप खा लो। मैं सो ना रही, मैं लड़ो। एक दिया, एक हैप्पी चॉकलेट डे। आज पता है चॉकलेट डे है ना? मैं आज आपको ना वो दिला रही थी चॉकलेट, जब आपने मना कर दिया था। चॉकलेट खाते हैं आज के दिन। फिर इसने चुपा चुप लिए थे अभी। मैं तो वगैरह ले लेती है, फिर इसको चॉकलेट भी चाहिए होती है। बच्चे बहुत चालाक होते हैं यार। चलो गाइस जब बन जाती है ना तब मैं। स्वीटू यार मुझे लग रहा है मिर्च ज्यादा डल गई। ओ माय गॉड, लाल लाल कर दिया। पेट कम हो जाएगा खा के देख लेंगे। ऐसा पेट कम ऐसे तो नहीं होता है। स्वीटू आज मेरा हाथ कट गया है और यहाँ से दिखा ना, ये कैसे करा? अरे यार मैं कपड़े सुखा रही थी तो एकदम से मैं ऐसे कर रही थी ना तार को, एकदम से लगा। एक बात मैं बताऊँ आपको? हाँ। तार जब पता है वो तार है और जॉइंट है तो जरूरी थोड़ी हाथ से करना। गलती से मेरे को पता है दिखाने एकदम से, मैं बहुत जल्दी जल्दी में थी ना, लेट हो रही थी तो फिर मैंने जल्दी से ऐसे करा ना, बहुत दर्द कर रहा है। तो इससे नमन लगा ना हल्दी। हल्दी ये गाइस देखो हमने मैगी कर ली है इसमें ताकि गर्म ही रहे, हैं ज्यादा है और गर्म ताकि ज्यादा देर तक गर्म रहे। ये कुकु की है भाई, सच में डिलीशियस लग रही है, देखने में डिलीशियस लग रही है। आंसर तो दिखाना। बड़ा सा रहा है, गरम गरम खाओ, टेस्ट करो। आराम से ज्यादा गरम नहीं खा लेना। है तो सही, बड़ा थोड़ी तीखी। तीखी आप तीखी तीखी करेगा ना। और बताओ गरम है, तीखी तो है। आप खा के देखो। मैं खा के देखो। आपके में तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके में तो पाउडर ही नहीं है। अरे आपके में तो कुछ डाला ही नहीं है गाइस, ये देखो ड्रामे देख लो। मैंने ऐसे करा ना इसीलिए। लो पानी तैयार है, वो रिमोट रखो दूसरे हाथ से पकड़ो। कुकु एक बात बताऊं, इसमें तो हमने मिर्ची डाली ही नहीं है, बस मसाला है जो स्कूल में चाट चाट के खा के आई थी ना बेटा, वही है सेम। टमाटर को डाला बेटा, ये तो पक गया है ना, ये सारे टमाटर आप ही लो। छोटू आप खा के बताओ जल्दी यार। ठीक है, बाल में लग रही है बड़ा तीखी है ना। ले भी है। मस्त है, मस्त है ना। पर सो गाइस मैं बना रही हूँ अभी यहाँ चाय, कड़क वाली एकदम, ठीक है? और अदरक सारी नहीं डालूंगी, टेंशन मत लो। ओ ओ ओ ओ ओ यार भैन की, ओ यार भैन की। क्या हो गया यार, तो सिम थी गैस, फिर भी पता नहीं कैसे निकल गई। अरे इस मैगी वैगी बनाई थी ना इसलिए ये सब है। अगर यहाँ पे कहीं कहीं आपको ऐसे दिख रहा होगा ना, मैंने क्योंकि साफ नहीं करी है, साफ नहीं करी है। यार मैं इतने अच्छे से दिखाने आ रहे थे, जो सड़ गया यहाँ पे, दूध निकल गया, दूध कहाँ निकल गया। और मैं डालूंगी अदरक ये ज्यादा सी, क्योंकि मेरे मुझे ना हेडेक हो रहा है यार हल्का हल्का, पता नहीं मुझे हवा लगी है, पता नहीं क्या हवा लगी है। और सीटू ने किया सब्जी कट मेरी, क्योंकि जो वैसी सब्जी होती है ना जैसे गोभी वगैरह, वो मैं कटा के रख लेती हूँ, कटवा के रख लेती हूँ सीटू से, और सीटू मेरी हेल्प कर देते हैं ऐसे। तो प्यारे स्वामी जी है मेरे, प्यारे स्वामी जी। तो मैंने चाय वगैरह बना लिया एकदम कड़क, देखो बहुत कड़क है, पीनी है। और हाँ गाइस एक और चीज, बहुत क्यूट सी चीज दिखाती हूँ आपको, बहुत महंगी हो गई एक साथ। दिखाओ ना बेटा, क्या कर रहे हो? लो दिखा दो, बस दिखा दिया। ये टोपा टेढ़ा हो रखा है, सीधा कर ले, सीधा करो इसको। आपका है ना ये लिपबाम, कौन लेके आया था? स्वीटू। कभी डैडी भी बोल दिया करो, डैडी कभी बोलोगी कि स्वीटू भी बोलोगी। एक मिनट खाने दो गाइस, देखो ये लिप बाम कितना छोटा हो गया यार, मैं ऐसा बड़ा लिप बाम लगाती, मेरे पास है वो डब्बी है इससे, इससे तीन गुना आता है उसमें, और इससे मतलब दो गुना वो बड़ी है। अच्छी है बेटा, रुक जाओ मैं बस दिखा तो रही हूँ।
इससे 3 गुना आता है मतलब उसमें, और वो भी 10 रुपीज की है, ये भी 10 रुपीज की है, और वो भी थोड़े टाइम पहले ली थी, और ये देखो इतनी छोटी सी, मतलब ये लगा लो आइस के बराबर भी नहीं है यार, कितना मतलब ठीक है महंगाई हो रही है, लेकिन ये ऐसा भी क्या यार, उससे आधा कर देते, लेकिन ये तो आधे से भी आधा कर दिया यार, देखना कितना क्यूट सा, कितना छोटा सा। मैं तो दुकान में कह रहा हूँ यही है क्या, और नहीं है कुछ। चलो 2 रुपए का तो नहीं कह सकते, 5 रुपए का तो देना चाहिए यार, बताओ 10 रुपए का है, बहुत क्यूट ही है, लेकिन तभी तो क्यूट लग रही है, बट वही है ना, क्यूट लग रही है तो इसी बात पर 10 रुपीज का। और हाँ गाइस, चलो कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2-4 दिन से कमेंट आ रहे हैं, एक दो बहुत ही प्यारे प्यारे से। और ये नमकीन बिस्किट ले लिए हमने साथ में, और गाइस वॉलपेपर के लिए पूछा है काफी, एक दो लोगों ने, और एक दो लोगों ने हमारी उस पर भी पूछा है शॉर्ट वीडियो पे और व्लॉग पे भी पूछा है। तो गाइस ये वॉलपेपर जो हमने ऑनलाइन परचेज नहीं किया, ये हम खुद जाके लेके आए हैं मार्केट से, आप आ जाओ ना इधर, वैसे मार्केट से खुद जाकर लेके आए हैं ऑफलाइन मतलब, ठीक है। और रीजनेबल प्राइस है, कोई ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, रीजनेबल प्राइस है, बहुत अच्छा लगा हमें, प्यारा लगा तो हम ले आए कलेक्शन, और वैसे भी हमें चाहिए था, लेकिन हम ज्यादा लेके नहीं आए, अभी हमने ना थोड़ा सा करने के लिए लेके आए थे, उसके बाद देखते हैं अगर अच्छा लगेगा तो सिटू और लेके आएंगे फिर, है ना। और अभी एक कमेंट और आया बहुत प्यारा सा, इनको बहुत अच्छा लगा वो कमेंट, मतलब मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं था, बिल्कुल हक है भैया आपको, बहुत अच्छे हो आप भाई, और वो अब आगे तुम पढ़ लो, तो केसी सोंदिया का कमेंट है, बिल्कुल हक है भैया आपको, आप बहुत अच्छे हो, आप तो किसी को गलत बोलते ही नहीं हो, और ना ही मतलब ना ही तो बोलते हो, और अच्छा है नहीं बोलते तो, और बहुत मतलब बहुत किस्मत से मिलते हैं ऐसे हस्बैंड, मतलब मेरे लिए मतलब बोल रहे हैं, तो हाँ गाइस बहुत अच्छा कमेंट है, और आप सच कह रहे हो, बहुत किस्मत से मिलते हैं ऐसे हस्बैंड। वो तो मैं मतलब मजाक कर रही थी उसमें, कि मैंने बोला था ना, ये बोल रहे थे ना मेरे को कोई हक नहीं है कुछ प्लानिंग वगैरह करने का, रोज देने का, तो फिर मैंने कहा हाँ तुम्हारी प्लानिंग देख रखी है मैंने, तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए, वैसे तो भाई मुझे पता ही है, तमन्ना ने पूछा था ये वॉलपेपर कहाँ से लिया, तो हमने बता ही दिया है। और वेरी नाइस प्रज्ञा, लवली कपल, बहुत प्यारे हो आप दोनों, स्टार्टिंग से ही देख रही हूँ मैं, लव फ्रॉम बनारस। अच्छा जी, ओके थैंक यू सो मच, ठीक है जी। जानवी दी, वॉलपेपर का टोटल कितना खर्चा हुआ था? वॉलपेपर हमारा था ये मान लो कि 250-300 के बीच में एक रोल था, है ना, एक या दो रोल थे ना, एक था दो थे, एक था, एक रोल था, एक रोल था, तो आप लगा लो हम लेके आए थे 6 रोल लेके आए, 6 रोल लेके आए थे, ज्यादा लेके नहीं आए हम, आपको यही प्राइस मिल जाएगा, मतलब थोड़ा आगे पीछे होगा, यही प्राइस मिल जाएगा आपको मार्केट में, नॉर्मल प्राइस सब जगह यही है, ऑनलाइन भी चेक करोगे। और अदिति महेंद्रा ने कमेंट किया था, जैसे मैंने पूछा था ना अपने शॉर्ट वीडियो में, आप कहाँ से हो, आप लोग कहाँ से हो, आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं, तो उन्होंने कमेंट किया था रुड़की। अच्छा ओके थैंक यू। और निशु दिवाकर, हाँ गाइस ये बहुत सारे कमेंट आते हैं भाई, ये बहुत बहुत कमेंट आते हैं कि यदि आपका खुद का घर है या रेंट का है, तो गाइस हम आपको बता दें हमारा रेंट का घर है, ठीक है, क्यों मुझे छुपाना आप लोगों से, हमारा रेंट का घर है, ठीक है, आप लोग प्यार दोगे तो हमारा अपना भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ने कमेंट किया था थोड़े दिन पहले, सपना पीरियड बोलना जरूरी है क्या, क्यों पीरियड बोलने में कोई परेशानी है क्या, या फिर कुछ बहुत गंदा वर्ड है जो हमने बोल दिया है, तो है पीरियड बोलना मतलब ये तो ठीक है ना, अब बोलते हैं मंथली प्रॉब्लम हो गई या पीरियड, तो फिर इसमें गलत क्या हो गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आता इसमें गलत कुछ गंदा है कि इसमें कुछ गाली है, लोग गाली तो ऐसे दे देते हैं जैसे कोई प्रसाद प्रसाद बांट रहे हैं, और मतलब ऐसा अगर परेशानी तो कोई अपनी कोई परेशानी बोल दो तो ऐसे क्यों बोल दिया। तो गाइस प्लीज इन सब चीजों पर ऐसा मत करो, और रही लड़ाई की बात तो भाई वो तो हमारी होती रहती है, रहती है गाइस, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच यार, आप इतना अंडरस्टैंड करते हो, आप समझते हो, व्लॉग देखते हो, आप समझते हो कि किस, शेयर भी करा करो वीडियोस को, है ना, और चैनल सब्सक्राइब भी कराया करो यार अपने फ्रेंड और लोगों, हाँ और लोगों से सब्सक्राइब कराओ गाइस, और आपको आगे क्या देखना है प्लीज जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको आगे हमारी कौन सी वीडियोस चाहिए हो, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू।